गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स में हर्बेरियम की। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं अपने 11th स्टूडेंट्स के लिए, आपकी बुक जो कि NCERT बेस्ड है, उस बुक में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ टैक्सोनॉमिक एड। टैक्सोनॉमिक एड के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके हर्बेरियम की। आपको बता दूं कि 11th के साथ साथ ये टॉपिक हमारे BSc सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बॉटनी के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हर्बेरियम की, हर्बेरियम क्या होता है, क्या टेक्निक्स हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, क्या यूज़ हैं, और इंडिया और वर्ल्ड में कौन कौन से फेमस हर्बेरिया स्टैब्लिश किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज़ अ टैक्सोनॉमिक एड, ये टैक्सोनॉमिक एड होते क्या हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड से पहले हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी। हमारी बायोलॉजी में एक ब्रांच है दैट इज़ टैक्सोनॉमी, ओके। इन हिंदी इसे हम कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान या फिर वर्गीकी। अपने पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में मैं टैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण विज्ञान। अब ये जो टैक्सोनॉमी होती है, वर्गीकरण विज्ञान होती है, ये हमने समझ ली कि इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वर्गीकरण कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में हज़ारों लाखों की संख्या में ऑर्गेनिज़म्स हैं, तो उनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। अब टैक्सोनॉमी में हेल्प करने के लिए, आई रिपीट माई सेंटेंस, टैक्सोनॉमी में हेल्प करने के लिए हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड। लाइक हम किसी प्लांट का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम प्लांट्स के बारे में उनके क्लासिफिकेशन को करना चाहते हैं तो हमारी हेल्प करने के लिए क्या होंगे, कुछ टैक्सोनॉमिक ऐड हो सकते हैं। जैसे हर्बेरियम, हर्बेरियम में हम प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं, उन प्लांट्स को देखकर हम समझ पाते हैं कि कौन से प्लांट में कौन सा कैरेक्टर है, और उस बेस पर हम उस प्लांट का क्लासिफिकेशन अलग अलग कर सकते हैं। सपोज दैट आपने 10 प्लांट कलेक्ट किए, अब आपने देखा कि उनमें से 2-3 ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो हमने उनको एक फैमिलीज में रखना है, और कुछ अलग हैं तो वो डिफरेंट फैमिलीज में जाएंगे। अब ये जो क्लासिफिकेशन आपने किया फैमिलीज का, ये कैसे किया, उन प्लांट्स के कलेक्शन को देखकर। तो प्लांट्स का जो कलेक्शन था वो क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। तो एक तरीके से जो हमारा हर्बेरियम है वो बन गया क्या, हमारा टैक्सोनॉमिक एड। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी साधन, जितने भी मेथड हमें टैक्सोनॉमी करने में, मतलब क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं, जीवों को आइडेंटिफाई करने में, उनकी पहचान करने में हमें हेल्प करने वाले जितने भी साधन हैं उन्हें हम टैक्सोनॉमिक एड्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले टैक्सोनॉमिक एड की डेफिनेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैक्सोनॉमिक एड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टैक्सोनॉमिक एड्स आर टेक्निक्स, प्रोसीजर्स एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट आर हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब निकला इसका कि टैक्सोनॉमिक एड्स आर टेक्निक्स। टैक्सोनॉमिक एड कुछ टेक्निक्स होती हैं, प्रोसीजर्स कुछ प्रक्रियाएं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, एंड स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन और कुछ संग्रहित जानकारी होती है। जैसे हमने प्लांट का संग्रह किया तो वैसे ही संग्रह स्टोर हो गया। दैट आर हेल्पफुल, जो कि हेल्पफुल हो सकती है किस चीज़ में, इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों को पहचानने में, उनके लक्षणों को जानने में, ताकि हम उनका क्लासिफिकेशन कर सकें। तो टैक्सोनॉमी एड का मतलब सिंपली आपने समझ लिया होगा कि जो भी साधन हमारी सहायता करे किसी जीव को पहचानने में, किसी प्लांट को पहचानने में, किसी एनिमल को आइडेंटिफाई करने में, उसको हम टैक्सोनॉमिक एड कहेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं जो टैक्सोनॉमिक एड्स कहलाते हैं। पहला है हर्बेरियम, जिसे हिंदी में पादप संग्रह कहते हैं। दूसरा है बोटैनिकल गार्डन्स, यानी वनस्पतिक उद्यान, इनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट है म्यूजियम यानी संग्रहालय। उसके बाद जूलॉजिकल पार्क यानी प्राणी उद्यान, या जू भी कहते हैं इनको आप, या फिर, और लास्ट है की यानी कुंजी। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 5 नाम बताए गए
5 टैक्सोनॉमिक ऐड बताए गए। तो टैक्सोनॉमिक ऐड क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टैक्सोनॉमिक ऐड की, जिसका नाम है हर्बेरियम, यानी कि पादप संग्रह। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हम हर्बेरियम पर। अब बच्चों, हर्बेरियम क्या है? ये वैसे तो हम लोग जनरली जानते हैं कि हम लोग एक फाइल बनाते हैं हमारे हमारे स्कूल में, हमारे सिलेबस में आपको बनवाई जाती होगी एक हर्बेरियम फाइल स्टूडेंट्स को, जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के प्लांट कलेक्ट करते हैं और उन प्लांट्स को एक शीट पर पेस्ट करते हैं, जिसको हर्बेरियम शीट कहते हैं। तो ये एक बेसिक बात है जो हर्बेरियम के बारे में आपको पहले से पता होगी, नहीं पता है तो अभी जान लें। लेकिन आज मैं आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, इसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, हर्बेरियम शीट पर कैसे हम किसी स्पेसिमन को पेस्ट करेंगे, कैसे लेबल करेंगे, एवरीथिंग आई विल टेल यू। तो सबसे पहले हर्बेरियम होता क्या है, आइए जानते हैं। हर्बेरियम, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है हर्बेरियम, उसी में आप देखिए वर्ड आया है हर्ब। हर्ब का मतलब होता है शाक। ऐसे प्लांट्स जिनमें लकड़ी नहीं होती उन्हें हम शाक या हर्ब कहते हैं, जैसे मस्टर्ड का, सरसों का प्लांट, पी प्लांट, मटर का प्लांट आपने देखा होगा। तो ये प्लांट्स कैसे होते हैं? वुडी नहीं होते, लकड़ी वाले नहीं होते, ये प्लांट कहलाते हैं हर्ब, और हर्ब का संग्रह कहलाता है हर्बेरियम। तो हर्ब प्लस एरियम, यानी हर्ब का एरियम, यानी हर्ब्स का संग्रह कर लिया हमने, प्लांट्स का कलेक्शन कर लिया, उससे आपने हर्बेरियम कह दिया। अब ये कलेक्शन कैसे किया जाता है, आइए बताते हैं आपको। पहले नॉर्मली समझ लेते हैं कि हमने किसी प्लांट को अगर कलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें उसे सर्च करना है, जहाँ से भी हमें वो प्लांट लाना है तो हम उस प्लांट को ले आते हैं, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उस प्लांट को प्रेस करके सुखा लिया जाता है, किसी ब्लॉटिंग पेपर के बीच में या किसी मोटी बुक न्यूज़पेपर के बीच में रखकर उसे हम सुखा लेते हैं, तो वो ड्राई हो गया। उसके बाद उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, प्रिजर्व करने का मतलब है उसे संरक्षित कर लेते हैं। तो किसी भी प्लांट को ढूंढ कर लाना, उसे ड्राई करना, सुखाना, प्रेस करना, उसके बाद हर्बेरियम शीट पर चिपका कर उसका कलेक्शन करना हर्बेरियम कहलाता है। इसी बात को हम डेफिनेशन में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का संग्रह। हाँ, यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूँ कि हर्बेरियम डेड या लिविंग कैसी बनाई जाती है, तो आपको बता दूँ कि हर्बेरियम हमेशा डेड ऑर्गेनिज्म से बनती है। लाइक अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि हर्बेरियम में जो प्लांट्स हैं वो डेड हैं या लाइव हैं, लिविंग हैं, तो आप कह सकते हो कि वहाँ पर डेड हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट को लिविंग कंडीशन में आप शीट पर चिपका नहीं सकते। तो हर्बेरियम में ऑलवेज रिमेंबर, डेड कंडीशन में हम प्लांट को रखते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, पौधों का संग्रह, दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, जिसे प्रायः हम सुखा लेते हैं। यूजुअली यानी प्रायः, क्यों? क्योंकि कुछ कंडीशंस अलग हैं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो जनरली उन्हें हमने सुखा लिया, ड्राइड कर लिया, मतलब प्रेस्ड, दबा लिया कहीं पर भी, ब्लॉटिंग पेपर के बीच में या न्यूज़पेपर के बीच में, एंड प्रिजर्व, उसके बाद उसको संरक्षित कर दिया, सुरक्षित कर दिया, शीट पर चिपका कर अलमिराज के अंदर बंद करके रख दिया, ऑन शीट्स एंड अरेंज इन एन एक्सेप्टेड मैनर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, दुनिया में क्लासिफिकेशन के कई सिस्टम हैं, वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अपने क्लासिफिकेशन दिए हैं, तो किसी भी क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको हम अरेंज कर लें। इस बात को थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं। लाइक आपने हर्बेरियम बना ली और आपने बहुत सारी हर्बेरियम बना ली, ठीक है, एक हर्बेरियम फाइल में आपने एक फैमिली के प्लांट्स को रखा। लाइक मैंने कहा कि मैंने एक फाइल बनाई जिसमें मैंने फैमिली क्रूसीफेरी के प्लांट्स को रखा, एक दूसरी फाइल बनाई जिसमें मैंने सारे प्लांट फैमिली मालवेसी के लगाए, एक तीसरी बनाई जिसमें मैंने सारे प्लांट फेबेसी फैमिली के लगाए, कुकरबिटेसी के लगाए, ग्रामिनी या पोएसी के लगाए। तो अलग अलग फाइल्स हमने मेंटेन कर ली हैं, किसके लिए? अलग अलग फैमिलीज के लिए। तो एक सीक्वेंस में हमने किसी अलमिरा में जो अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, लाइक एक अलमिरा है उसमें 10 स्लॉट्स बने हुए हैं, तो सीरियल वाइज हमने उनको अरेंज कर दिया कि क्रूसीफेरी, देन मालवेसी, देन सोलेनेसी, व्हाटएवर। तो एक सीक्वेंस में हमने उनको रखा है ताकि किसी को भी उन फाइल्स को ढूंढने में कोई असुविधा ना हो। तो कोई भी एक सीक्वेंस किसी भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लें और उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से उनको हम अरेंज कर देंगे, तो इट इज़ कॉल्ड एक्सेप्टेड मैनर। मतलब कोई भी ऐसा क्लासिफिकेशन जो एक्सेप्ट किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमने उसे सुरक्षित रख देना है फॉर स्टडी पर्पस। और ये किस लिए हमने किया? ताकि फ्यूचर में हम उस प्लांट पर स्टडी कर सकें। लाइक हमें किसी प्लांट के बारे में पढ़ना है और हो सकता है वो प्लांट हमारी लोकेलिटी से बहुत दूर है, कोई ऐसा पौधा हो सकता है जो हिमालय पर पाया जाता हो, और अगर हम यहाँ प्लेन्स में रह रहे हैं, काफ़ी दूर हैं, तो वहाँ पर जाकर स्टडी नहीं कर सकते। तो हर्बेरियम हमारी मदद करेगा, उस प्लांट का हमें ड्राइड स्पेसिमेन मिल जाएगा हर्बेरिया में, और उसके सारे कैरेक्टर्स को हम हर्बेरियम के अंदर देख कर स्टडी कर सकते हैं।
तो ये फ्यूचर में स्टडी पर्पस के लिए बनाए जाते हैं इज नोन एज हर्बेरियम, उसे हम हर्बेरियम कहते हैं। तो डेफिनेशन का सेंस क्या निकल रहा है कि किसी भी प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके उसे हमने हर्बेरियम शीट पर चिपका दिया और चिपकाने के बाद हमारी हर्बेरियम फाइल तैयार हो गई जिसका इस्तेमाल हम फ्यूचर स्टडी के लिए करेंगे और उसको हमने एक प्रॉपर वे में एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। तो ये डेफिनेशन हो गई कि हर्बेरियम होता क्या है। इसके बाद मैं अब आपसे बात करूँगा यहाँ पर टेक्निक की, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस पूरी टेक्निक में जो मैंने आपको जनरली बता दी है, अब अगर एग्ज़ाम में लिखना है तो जैसे मैंने अभी बताया वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो आपको समझाने के लिए था। अब एग्ज़ाम में अगर आता है कि प्रिजर्वेशन टेक्निक बताइए या हर्बेरियम टेक्निक बताइए कि कैसे हर्बेरियम क्या होता है, इसको बनाने की विधियाँ, सिंपली अगर मैं कहूँ ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज़ हर्बेरियम, डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन एंड गिव सम इम्पॉर्टेंट नेम ऑफ हर्बेरिया, हर्बेरियम क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, भारत और विश्व के कुछ प्रमुख हर्बेरिया के नाम बताइए। तो इस टाइप से अगर सवाल आपके आ रहा है तो आपको ये कैसे हल करना है वन वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट के कलेक्शन की। तो स्टेप कितने हैं हर्बेरियम टेक्निक्स के, यहाँ पर वन बाय वन हम सभी की बात करेंगे। पहला है प्लांट कलेक्शन। नाउ व्हाट इज़ प्लांट कलेक्शन? सपोज दैट हमें कोई प्लांट कलेक्ट करना है अपने हर्बेरियम बनाने के लिए तो हमें उस लोकेलिटी पर जाना पड़ेगा। लाइक कोई फॉरेस्ट हो सकता है, कोई फील्ड हो सकती है, कोई गार्डन हो सकता है, कोई हिल एरिया हो सकता है जहां पर हम जाकर उस स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। अच्छा, कलेक्ट करने के बाद उस प्लांट को हम कहते हैं स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब है प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट जिसे हम अपनी हर्बेरियम शीट पर पेस्ट करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले प्लांट्स का कलेक्शन करना है, तो प्लांट्स का कलेक्शन हमने कर लिया, हिंदी में कहेंगे पादप संग्रह। अब प्लांट को कलेक्ट करते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि सबसे पहले कि जैसे सपोज़ करिए मैं एक यहाँ पर प्लांट बनाता हूँ कि कुछ प्लांट्स जो छोटे होते हैं तो उनमें हमें क्या ध्यान रखना है कि प्लांट का शूट सिस्टम भी आ जाए और रूट सिस्टम भी आ जाए। अब ये शूट और रूट सिस्टम क्या होता है? सपोज़ दैट ये एक प्लांट है, इसमें आगे की तरफ फ्लावर लगा हुआ है, कुछ बड्स भी लगी हुई हैं और छोटा सा प्लांट है, तो हमने इसको नीचे रूट से भी कलेक्ट कर लेना है। तो ये आपने देखा ये प्लांट का नीचे का पार्ट है, तो छोटा सा प्लांट था तो हमने इसको पूरा ले लिया यहाँ पर क्योंकि वो स्मॉल है, हमारी हर्बेरियम शीट पर आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर कोई प्लांट बड़ा है, लाइक हमने कहा कि हमें हिबिस्कस चाहिए, गुड़हल का पेड़ चाहिए, फ्लावर चाहिए, तो हमें वहाँ पर क्या करना है, हमें उसकी एक टहनी लेनी है, एक ट्विग लेनी है। ट्विग का मतलब टहनी, TWIG, और ट्विग में क्या क्या आ जाएगा? अब सपोज़ करें हमने गुड़हल को लेना है तो मैंने आपसे कहा कि आपको कितना कलेक्शन करना होगा। सपोज करें ये हमने यहाँ पर हिबिस्कस का एक फ्लावर बना दिया, तो एक तो फ्लावर आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि आपके इस कलेक्शन में एक स्पेसिमेन में बड भी आनी चाहिए, तो ये हमारी बड आ गई गुड़हल की, ठीक है। फिर मैंने कहा स्टेम भी होना चाहिए थोड़ा सा, तो लाइक ये हमारा थोड़ा सा स्टेम हो गया। देन आपने कहा कि यहाँ पर लीव्स भी आनी चाहिए, तो यहाँ पर हमारी लीव्स हो गई, ठीक है। तो दीज आर द लीव्स। तो ये जो पार्ट हमने लिया है हिबिस्कस यानी गुड़हल के प्लांट से आप देख सकते हो, तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं, इस पूरे पार्ट को हम कह सकते हैं ट्विग, TWIG। ट्विग का मतलब क्या है? टहनी। इससे क्या होगा कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, हम फ्लावर के बारे में भी जान लेंगे, हम उसकी बड के बारे में भी जान लेंगे, हम उसके यहाँ पर जो लीव्स होती हैं, स्टेम होते हैं, सभी के बारे में जान लेंगे। तो कलेक्शन जो प्लांट्स का है सबसे पहले वो हमें करना है, वो हमने किसी भी प्लांट के पास गए, अगर वो प्लांट ईजिली टूटने वाला है तो हमने उसको हाथ से तोड़ लिया, नहीं तो कैंची या फिर कुछ और चीज़ें होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे और उसको काट कर अलग कर लेंगे। प्लांट अगर छोटा है तो उसका रूट सिस्टम भी कलेक्ट कर लेंगे, अगर प्लांट बड़ा है तो उसकी ट्विग को ले लेंगे। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि प्लांट हमारे थोड़े लंबाई में आ जाते हैं जो हर्बेरियम शीट पर अरेंज नहीं हो पाते, तो उनके कलेक्शन के समय आपको क्या करना है कि जब उनको हम कलेक्ट करेंगे तो उनकी लंबी सी ब्रांच मान लीजिए है, तो उनको हम एन या वी शेप में कलेक्ट कर सकते हैं, एन या फिर वी शेप में। नाउ व्हाट इज़ द मीन ऑफ दिस एन और वी शेप? अब सपोज करिए कि कोई बेल टाइप की हमने कलेक्ट की है, तो हम उसको इस तरह से, ये बेल है, ऐसे ले गए, देन ऐसे टर्न कर दिया
और देन ऐसे टर्न कर दिया। तो ये आप देखिए कौन सा शेप बन गया, एन शेप बन गया। अब अगर इसे हम सीधा सीधा लगाते तो ये शीट पर नहीं आती, तो हमने इसको कैसे अरेंज करना है शीट पर, इस तरीके से अरेंज कर देना, एन के शेप में अरेंज कर सकते हैं। अगर थोड़ी छोटी है तो फिर हम उसे वी के शेप में अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये था हमारा प्लांट का कलेक्शन कि हमें प्लांट को कैसे कलेक्ट करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। इसके बाद आता है प्रेसिंग एंड ड्राइंग ऑफ द प्लांट्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर भी हम गए हैं फील्ड पर कलेक्ट करने के लिए या गार्डन में कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर हमें तुरंत ही जैसे ही हमने इसको कलेक्ट किया वैसे ही हमें इसे दबाकर रखना है किसी प्लांट प्रेस में। एक प्लांट प्रेस आती है, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ प्लांट प्रेस कैसी होती है। तो प्लांट प्रेस होती है जिसमें प्लांट को प्रेस करके रख दिया जाता है। और अगर आपके पास प्लांट प्रेस अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दो न्यूज़पेपर या दो ब्लॉटिंग पेपर्स के बीच में इनको रख देते हैं और किसी हैवी चीज़ से, कोई स्टोन वगैरह हो उससे ढक देते हैं ताकि एक वेट पड़ेगा। तो वेट पड़ने से क्या होगा, वो प्लांट अच्छी तरीके से प्रेस हो जाएगा। तो प्लांट की प्रेसिंग हो गई, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है और इसे वहीं पर करना है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने प्लांट को वहाँ कलेक्ट किया और एक दो दिन के बाद सोचा कि हम इसे अब प्रेस कर देंगे, तब तक वो ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही आपने तोड़ा है तुरंत आपको उसको प्रेस करना है। प्रेस के साथ वो ड्राइंग ऑफ द प्लांट्स, उसके बाद आप उसे सनलाइट में रख सकते हैं या किसी भी ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर वो अच्छे से सूख जाएगा। 4 से 5 दिनों में भी सूख सकता है अगर उसमें जो है सॉरी ना मटेरियल कम है, तो वो जल्दी सूख जाएगा। तो पहले स्टेप में हमने प्लांट को कलेक्ट किया, दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, प्रेसिंग कर ली और क्या कर ली, ड्राइंग कर ली, मतलब उसको सुखा लिया और प्रेस करके दबा दिया। अब हमारा अगला स्टेप है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमें उसे माउंट करना है। माउंट का मतलब चिपकाना है, पेस्ट करना है एक हर्बेरियम शीट पर। तो हर्बेरियम शीट जो होती है वो क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। स्टूडेंट्स, मार्केट में अलग से कुछ शीट्स आती हैं, कलर्ड भी होती हैं, वाइट कलर की भी होती हैं, डिफरेंट कलर्स की भी आ सकती हैं, और उनका एक आइडियल साइज़ होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द आइडियल साइज़ फॉर अ हर्बेरियम शीट। तो आप जान लीजिए इसकी जो ये हिस्सा है, चौड़ाई जो है वो 29 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो लंबाई है वो 42 सेंटीमीटर होती है। तो 42 बाई 29 सेंटीमीटर ये हर्बेरियम का साइज़ है, आप याद रखिएगा इसको। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो इस शीट पर हमने इस अपने जो भी प्लांट को ड्राई किया है उसको पेस्ट करना है, उसकी माउंटिंग करनी है। अच्छा, माउंटिंग करने के बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो एक कॉलम है। तो इस कॉलम में जो है आपको इस प्लांट की पूरी डिटेल यानी कि लेवलिंग करनी होती है। तो आज मैं आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखाऊंगा किस तरीके से प्लांट को पेस्ट करते हैं। अक्सर वीडियो में स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि सर आप किस तरीके से बनाते हैं, मुझे भी हमें भी बताइए। तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको कुछ बनाकर भी दिखाऊं लाइव। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले से लिखने का मेरा मोटिव केवल ये रहता है कि अगर कंटेंट पहले से होगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और आप कम टाइम में ही चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपने प्लांट स्पेसिमेन को पेस्ट करते हैं। तो मैं उसको ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए बताते हैं आपको कि किस तरीके से मैं डायग्राम्स बनाता हूँ और कैसे आप यहाँ पर किसी भी अपने कलेक्ट किए गए प्लांट को कैसे माउंट करेंगे, कैसे पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ कलर्स और ब्रशेस का यूज़ किया है, आप भी देखिए इस चीज़ को। सपोज दैट हम एक फ्लावर को पेस्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ गुड़हल, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, और उसे चाइना रोज कहते हैं। तो हमने उसके स्पेसिमेन को लिया और प्रेस कर लिया, और प्रेस करने के बाद में उसको हमने सुखा लिया और कुछ इस तरीके से हमें उसका जो फ्लावर था वो मिल गया। तो ये हमारा प्रेस होने के बाद कुछ इस तरह से फ्लावर दिखाई देगा। ठीक है, इट इज़ द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस। इसके बाद अब नीचे का जो पार्ट होता है लाइक हमारे फ्लावर में, उसको देखते हैं किस तरह से होता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कैलिक्स होते हैं यहाँ पर। कैलिक्स के बाद में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ईपी कैलिक्स पे निकलते हैं, एंड देन आपकी पेडिसिल हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पर एक बड बनाकर दिखाता हूँ आपको कि अगर हमें कलेक्ट करना है तो कई बार हमें एक बड भी बनानी होती है। तो यहाँ पर मैंने एक बड बना दी, आप देख पा रहे होंगे,
और कुछ इस तरीके से ये हमने यहाँ पर बट को दिखा दिया। अब हम नीचे का स्टेम बनाते हैं। स्टेम में क्या क्या चीज़ें आपने दिखानी है, आइए देखिए इसको। तो ये हमारा स्टेम हो गया हिबिस्कस का, कुछ इस तरीके से आप इसे पेस्ट करोगे। स्टेम के बाद में हमने यहाँ पर लीव्स दिखानी है। तो मैं यहाँ पर कुछ लीव्स बनाता हूँ। These are the leaves. गुड़हल के लीव्स कुछ इस तरह की होती हैं। थोड़ा मैं इसे रफली भी बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको ये टेक्निक भी समझ में आ जाए कि मैं पेंट कैसे करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स स्टूडेंट्स मुझसे करते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हाउ टू पेंट। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाया। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहों तो इस पर लीफ पर आपको पता है कि वेंस वगैरह भी होती हैं, जो आपने इस तरह से दिखा सकते हो आप यहाँ पर। दीज आर द विंग्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने बनाना है। अब आप देखिए कि ये जो मैंने बनाया है हर्बेरियम पर शीट पर, तो इसी टाइप से बिल्कुल आपको अपना जो प्लांट स्पेसिमेन है वो कलेक्ट करने के बाद, प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से मिलेगा। अरे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई स्टूडेंट्स, जो मैंने नहीं बना पाई, सॉरी फॉर दैट। आइए दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर जो हमारा होता है फ्लावर हिबिस्कस का, उसमें बाहर की तरफ ये जो एंड्रोशियम और गाइनेशियम होते हैं वो बाहर की तरफ निकले रहते हैं। आई फॉरगॉट टू मेक, चलिए मैं इसे अब बना देता हूँ। ये यहाँ पर एंड्रोशियम होते हैं कई सारे, और ये आगे की तरफ फाइव स्टिग्मा होते हैं, तो ये भी बनाना ज़रूरी था। तो ये जो हमारा स्पेसिमेन है आप देख पा रहे होंगे, तो हमने इसको क्या कर लिया है, माउंट कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के लिए हम ग्लू का यूज़ कर सकते हैं, सोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से करें। बट मैं आपको बता दूँ कि टेप लगाने से क्या होता है कि ये सही से पेस्ट नहीं होता है। तो मैं कहूँगा आपसे कि एक अच्छे कंपनी का ग्लू लेकर ही आप इसको पेस्ट करिएगा, इस तरीके से कि प्लांट जो है वो शीट पर प्रॉपरली अरेंज हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी हर्बेरियम शीट पर पेस्ट कर लिया अपने स्पेसिमेन को। अब ये जो हमारा स्पेसिमेन है हिबिस्कस का फ्लावर, गुड़हल का फ्लावर, इस पर हमें करनी है अगला स्टेप, दैट इज लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब नामांकन। तो लेबलिंग में क्या करना होता है, आप देख रहे हो ये हमारी हर्बेरियम शीट है, इस पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। इसके राइट कॉर्नर पर आप देख रहे हैं एक बॉक्स जैसा बना हुआ है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, आपको विजिबल नहीं हो रहे होंगे क्योंकि स्क्रीन पर इतना छोटा नहीं दिखेगा आपको इतनी दूर से। तो मैं इसे स्क्रीन पर शेयर कर लेता हूं और आप देखिए कि इसमें क्या क्या नाम लिखे जाते हैं। तो लेवलिंग में सबसे पहली चीज़ आ रही है नेम इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको इसका नाम बताना है, लाइक अब ये गुड़हल है, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं चाइना रोज़, तो आप इस कॉलम में क्या लिखोगे, चाइना रोज़। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लोकल नेम। लोकल नेम को हम वर्नाकुलर नेम भी कहते हैं, मतलब हमारे जहाँ पर भी सोसाइटी में हमने इसको कलेक्ट किया है लोकली, वहाँ पर इसको क्या बुलाया जाता है, तो यहाँ पर हम गुड़हल लिख देंगे। इसके बाद बोटानिकल नेम, यानी इसका वैज्ञानिक नाम, इसका वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका वनस्पतिक नाम, इसका बोटानिकल नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो आप बोटानिकल नेम में क्या लिखेंगे, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसके बाद अगला स्टेप होता है फैमिली का। तो फैमिली में जिस भी फैमिली का ये प्लांट है, अभी आप लोग फैमिलीज नहीं समझते होंगे हमारे 11th के बच्चे, तो आपको बता दूं कि आगे मैं फैमिलीज पढ़ाऊंगा तब आप जान लें। अभी के लिए फिलहाल इतना पता हो आपको कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी जितने भी एंजियोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म का मतलब जिनमें फ्लावर आता है, पुष्प आता है, तो उनको हमने अलग अलग फैमिलीज में बांट रखा है उनकी सिमिलैरिटीज़ के आधार पर। तो कई सारी फैमिलीज बनाई गई हैं, जैसे क्रूसीफेरी, मालवेसी, सोलनेसी, एस्टरेसी, पेपेवेरेसी, बहुत सारी।
तो हमारा जो हिबिस्कस है वो बिलोंग करता है फैमिली मालवेसी को, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फैमिली मालवेसी। फिर एक कॉलम में आप देख रहे होंगे आगे लिखा है स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर का मतलब होता है विशेष लक्षण। हर एक फैमिली के प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर होता है, कोई स्पेशल फीचर होता है, हमें यहाँ पर वो मेंशन करना होता है। अब मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं फैमिली मालवेसी को, तो फैमिली मालवेसी में एक स्पेशल फीचर होता है कि इनके जो स्टैमेन होते हैं वो मोनो एडल्फस होते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मोनो एडल्फस का मतलब है व्हेन द स्टैमेंस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ग्रुप एंड अरेंज ऑन द स्टैमिनल ट्यूब। अभी ये बात समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगी, फिलहाल आप जान लें कि जब स्टैमेन जो होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैमेंस हैं, जब स्टैमेन एक ग्रुप में लगे होते हैं एक ट्यूब पर, आप देख सकते हैं ये ट्यूब बाहर निकली हुई है, इस ट्यूब पर स्टैमेन लगे हैं एक ग्रुप में, तो एक ग्रुप में जो स्टैमेन लगे होते हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है मोनो एडल्फस। ये आप मुझसे आगे पढ़ोगे जब मैं आपको फैमिलीज पढ़ाऊंगा, उनकी टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये एक स्पेशल फीचर है इस प्लांट का, तो वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि इसका स्पेशल फीचर क्या है कि इसमें मोनो एडल्फस स्टैमेन पाए जाते हैं, बट इतना लॉन्ग नहीं लिखना है, सिर्फ मोनो एडल्फस स्टैमेंस मीन्स द स्टैमेंस आर अरेंज इन अ सिंगल ग्रुप, स्टैमेन केवल एक समूह में लगे होते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज डेट। डेट का मतलब है कि हमने किस डेट में ये प्लांट कलेक्ट किया है। लाइक हमने कोई प्लांट है जो विंटर्स में केवल होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो डेट पड़ेगी वो विंटर सीजन की होगी, विंटर मंथ्स की होगी, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। उसके बाद अगर समर में हम कोई प्लांट कलेक्ट कर रहे हैं तो डेट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो डेट ऑफ कलेक्शन में जिस डेट में हमने प्लांट को कलेक्ट किया है वो डेट डालनी रहती है। नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस का मतलब है कि हमने इस प्लांट को कहाँ से कलेक्ट किया है। हमने फॉरेस्ट से कलेक्ट किया है, जंगल से, या फिर किसी फील्ड यानी खेत से किया है, फॉर्म हाउस से किया है, किसी गार्डन से किया है, किसी हिल एरिया से किया है, किसी पॉन्ड से किया है, जहाँ से भी हम इस प्लांट को कलेक्ट किए हैं हमें आपको प्लेस में वो नाम मेंशन करना है। लाइक मैंने फॉरेस्ट लिख दिया या मैंने गार्डन लिख दिया, क्योंकि हमारा हिबिस्कस है तो मोस्टली गार्डन में मिलेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया गार्डन। ओके, आप चाहें तो गार्डन का नाम भी दे सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है कलेक्टेड बाय। किसके द्वारा कलेक्ट किया है। अगर ये फाइल मैंने बनाई है तो ऑब्वियसली मैं कलेक्टेड बाय में लिखूंगा विजय गुप्ता, जो कि मेरा नाम है, तो आप इसे अपने नाम को यहाँ पर लिख सकते हो कलेक्टेड बाय में। तो ये कहलाती है लेवलिंग, जिसमें आपको सारी चीज़ें लेवल करनी हैं। तो 7 से 8 चीज़ें यहाँ पर आती हैं जिनमें आपको मेंशन करना होता है सारी चीज़ें। अब आते हैं हम लास्ट स्टेप पे, जो कि है हमारा स्टोरेज ऑफ हर्बेरियम शीट। अब हर्बेरियम शीट का स्टोरेज कैसे करना है, देखिए शीट पर तो आपने पेस्ट कर दिया, इसी तरह से आपने पूरी फाइल मेंटेन कर ली। अब मान लीजिए आपकी फाइल में, एक फाइल में 10 स्पेसिमेन हैं और इस तरीके के आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं, या जितने भी हर्बेरिया बनाए गए हैं वहाँ पर कई सारी फाइल्स होती हैं, तो किया क्या जाता है कि इनको स्टोर करने के लिए अलमीराज बनाई जाती हैं, कांच वाली अलमीराज होती हैं। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा किस तरीके की अलमीराज हैं। तो इन अलमीराज के अंदर इन फाइल्स को अरेंज करके रखा जाता है। अरेंज का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, कि अलमीराज में जितने भी स्लॉट्स होते हैं, लाइक 10 हैं, तो हमने एक सीक्वेंस बना लिया कि फैमिली वाइज हम उन्हें अरेंज करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फैमिली की 10 फाइल्स हैं, तो हमने क्या किया, स्लॉट नंबर 1 में उन 10 फाइल को लगा दिया और ऊपर नाम भी मेंशन कर दिया स्लॉट के किनारे कहीं पर, मालवेसी, तो सारे मालवेसी की 10 फाइल वहाँ पहुँच गई। उसके बाद दन क्रूसीफेरी, दन सोलेनेसी, रननकुलेसी, एस्टरेसी, पैपेवरेसी, तो सारे सीक्वेंस में हमने इस तरह से अरेंज करना है। हमारे पास कलेक्शन अगर और बड़ा है तो हम एक अलमीरा में केवल एक फैमिली को अरेंज कर सकते हैं, फिर हम ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें अलमीराज के अंदर इनको स्टोर करना है अरेंजमेंट के हिसाब से, ताकि कोई भी ईजिली इन्हें जो है आराम से निकाल सके। अब ये अरेंजमेंट क्यों करनी ज़रूरी है ये बात भी समझ लें। अब सपोज मैंने आपसे कहा कि आप मेरे रूम में जाकर एक बुक ले आइए जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव जियोलॉजी, ओके, या कोई भी बुक मैंने कहा, कॉम्पिटिटिव बॉटनी। तो अब मैंने राइटर का नाम भी आपको बता दिया कि ये बुक आपको लानी है। अब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए मेरे रूम में जाकर उस एक बुक को लाना, क्योंकि वहाँ पर आपको थाउजेंड ऑफ बुक्स मिलने वाली हैं, बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन अगर है वहाँ पर तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है उस एक बुक को ढूंढने के लिए। अब मान लीजिए हमने आपको पूरा एक सीक्वेंस बता दिया कि आपको मेरे रूम में जाना है, वहाँ पर अलमीरा नंबर 3 में स्लॉट नंबर 2 में लेफ्ट साइड से जितनी भी बुक्स लगी हैं आप वहाँ पर चेक करिएगा, उसमें सारी बॉटनी की बुक्स लगी हुई हैं। अब आप इजीली जाओगे और वहाँ पर सर्च करके बुक को ले आओगे, तो एक एड्रेस आपको मिल गया, तभी तो आपने इजीली 1 से 2 मिनट में जाकर उसको सर्च कर लिया। बस ठीक ऐसे ही
कोई भी इंसान अगर स्टडी करना चाहता है किसी बड़े हर्बेरिया में जाकर, तो एक सिस्टम मेंटेन होना चाहिए, अलमिराज पर फैमिलीज मेंशन होनी चाहिए, ऑर्डर मेंशन होने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग वो हर्बेरियम को निकाल कर उनकी स्टडी कर पाएगा कि इस प्लांट में क्या क्या फीचर्स पाए जा रहे हैं, कौन कौन से लक्षण पाए जा रहे हैं। तो इस बेस पर आपको इसका स्टोरेज करना है, किस पर, हर्बेरियम शीट पर, हर्बेरियम शीट का स्टोरेज इस तरीके से आप करोगे। तो आपको आई होप ये पाँचों स्टेप समझ में आ गए होंगे कि पहले प्लांट का कलेक्शन कैसे किया, देन उनको प्रेस करके ड्राई करके कैसे रखना है, देन हमें माउंटिंग कैसे करनी है यहाँ पर, उसके बाद कैसे लेवलिंग करनी है, और उसके बाद इन्हें कैसे स्टोर करके हर्बेरियम शीट पर पेस्ट करने के बाद में कैसे अलमिराज के अंदर स्टोर करके यहाँ पर रखना है। अब एक चीज़ और यहाँ पर बता देता हूँ कि स्टोरेज करने से पहले आपको क्या करना होगा कि इनको प्रिजर्वेटिव देना पड़ेगा। कोई प्रिजर्वेटिव का मतलब एक ऐसा पदार्थ जो इसमें फंगस वगैरह लगने से बचाए। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में बहुत सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, तो वो इसको ख़राब कर सकते हैं। तो इन फंगस से बचाने के लिए हमें इस पर कोई केमिकल स्प्रे करना पड़ेगा, और जनरली आपको बता दूँ कि जो केमिकल यूज़ किया जाता है इसके लिए वो होता है HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड को 2% में लेकर बाकी पानी मिला लेंगे और इस पर स्प्रे कर देना है। इस पर स्प्रे करने से क्या होगा कि अब ये शीट्स खराब नहीं होंगी, अब इन पर किसी भी तरीके के फंगस का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो आपकी जो भी मेहनत है, आपने इतनी सारी मेहनत करके ये हर्बेरियम बनाई है, ये ख़राब हो जाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपको किसी अच्छे प्रिजर्वेटिव से, एग्जाम्पल के तौर पर HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड्स 2% लेकर स्प्रे करने के बाद में ही इनको स्टोर करना होता है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी आपको। सबसे पहले चैप्टर में हमने आपको, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, इसमें टैक्सोनॉमिक ऐड क्या होते हैं ये डिफाइन किया आपको, फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से टैक्सोनॉमिक ऐड्स आपको पढ़ने हैं, हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क्स एंड की, और फिर इस वीडियो में हमने डिटेल में बात की हर्बेरियम की, हर्बेरियम क्या होता है आपको पूरी डेफिनेशन बता दी गई, उसके बाद हर्बेरियम कैसे बनाई जाती है आपने ये भी जान लिया, और उसके बाद पूरी टेक्निक्स स्टेप बाय स्टेप हमने फॉलो की, और तब जाकर हमने बताया कि हर्बेरियम कैसे बनाई। अब लास्ट में हम बात करना चाहेंगे आपसे कि इंडिया में और वर्ल्ड में कौन कौन से ऐसे जो है प्रमुख हर्बेरिया हैं जहां पर जाकर आप इनकी स्टडी कर सकते हो। तो उनके नाम मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कौन कौन से नाम हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ वर्ल्ड की, संसार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हर्बेरिया हैं। तो नंबर 1, हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में है। फिर नंबर 2, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये पेरिस में है। फिर हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये इंग्लैंड में है। और उसके बाद न्यूयॉर्क बॉटेनिकल गार्डन, ये न्यूयॉर्क USA में है। तो ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट नाम मैंने बता दिए जो वर्ल्ड लेवल के हर्बेरिया हैं। इसके बाद आप देखिए इंडियन हर्बेरिया को, तो इंडियन हर्बेरिया में कौन कौन से आएंगे। पहला है नंबर 1, हर्बेरियम ऑफ IBG कैलकटा, अब इसे कोलकाता लिख सकते हैं आप। दूसरा है हर्बेरियम ऑफ FRI, दैट इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देहरादून में है। और तीसरा है हर्बेरियम ऑफ एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर में। और फिर आपको बता दूं कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे NBG हर्बेरियम लखनऊ। तो ऐसे इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, कई सारे हर्बेरिया हैं जहाँ पर जाकर आप स्टडी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है मैंने सारा कुछ कवर कर दिया हर्बेरियम के टॉपिक पर। अब सवाल को एक बार फिर से समझ लें कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, हर्बेरियम क्या होती है, सामने है डेफिनेशन आपकी, कैसे बनाई जाती है आपके पास डिटेल में है, यहाँ पर जितनी भी हेडिंग्स लिखी हैं आप सबको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके बाद लास्ट में वर्ल्ड और इंडिया के कुछ फेमस हर्बेरिया के नाम बताने हैं आपको। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके जो नोट्स आप देख रहे हो बोर्ड पर, जो भी है वो मैंने अपने कम्युनिटी के ऑप्शन में जो पिक्स होती हैं मैंने वहाँ पर शेयर कर ली है आज मॉर्निंग में ही, तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो इसके लिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।